फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए एक जानकारी लेके आया हूँ। NPCI ने सेविंग अकाउंट के बाद में अब क्रेडिट कार्ड भी आपका UPI पर आ गया है, मतलब आप क्रेडिट कार्ड को भी UPI से लिंक कर सकते हैं। RBI ने जो घोषणा की थी जून 2022 में, तो इसी कड़ी में 3 नेशनलाइज बैंक और एक प्राइवेट बैंक में आया है अभी। और अभी फर्स्ट में केवल रुपए जो क्रेडिट कार्ड है उसी के लिए अवेलेबल है, और जो भीम ऐप है अपना इंडिया का सबसे, भारत सरकार द्वारा जो प्रायोजित भीम ऐप है, सबसे बड़ा ऐप है UPI के लिए। तो अभी इसी ऐप पर फैसिलिटी है क्रेडिट कार्ड को, आप जैसे अपन सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या ODI अकाउंट को UPI से लिंक करते हैं, ऐसा ही आप क्रेडिट कार्ड को भी UPI से लिंक कर सकते हैं। इससे व्यापारियों को भी काफ़ी फायदा होने वाला है और जो कस्टमर है उनको तो फायदा ही है। अभी फर्स्ट में NPCI ने केवल इसको पर्सन टू मर्चेंट के लिए एक्टिवेट किया है, अभी पर्सन टू पर्सन के लिए एक्टिवेट नहीं हुआ है। अभी केवल ये जो फैसिलिटी है पर्सन टू मर्चेंट, यानी कि आप केवल जो दुकान वगैरह शॉप्स वगैरह पर जो QR कोड लगे होते हैं उन्हीं को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। इससे व्यापारी का एक फ़ायदा है कि जो पहले POS मशीन में जो MDR कॉस्ट लगती थी उसकी सेविंग हो जाएगी उसको, क्योंकि डायरेक्ट आप जैसे अपन सेविंग अकाउंट से या UPI से जो पेमेंट करते थे तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाएगा। तो एक तरह से उनको जो 1.5 से 2% के आसपास जो MDR चार्ज की जो कॉस्टिंग थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर लेके आई है RBI या और NPCI और बैंकों के द्वारा मिलकर, जो ये क्रांतिकारी कदम उठाया गया है आने वाले भविष्य में भारत में जो डिजिटल क्रांति है उसमें अवश्य ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। तो साथियों देखिए, मैं आगे आपको बताता हूँ कि कैसे इस पर रजिस्टर करना है। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से जो अपना भीम UPI ऐप है उसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए, ये मेरे मोबाइल स्क्रीन पर भीम ये ऐप है, इसमें अंदर जाना है आपको। पिन कोड जो भी आपका रहता है आपको इसमें एंटर करके जाना है। अगर नए हैं तो आप मोबाइल नंबर डालेंगे, उससे ऑटो फेच हो जाएगा। और ये मैं पासवर्ड डाला और ऐसे अंदर जाना है आपको। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको पासवर्ड डाल के अंदर जाना है प्रोसेसिंग हो रही है। आपको प्ले स्टोर से भीम का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। इस तरह आपकी जो स्क्रीन है वो खुल जाएगी। यहाँ पर आपको जो जहाँ ऊपर जो अपना अकाउंट वाला सेक्शन रहता है, जहाँ पर जैसे पहले पुराना आपका ऑलरेडी लिंक अकाउंट है, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर जो नीचे प्लस का साइन है, जैसे मेरे तो ऑलरेडी ये जुड़ा हुआ है तो आपको दिख रहा है, बाकी आपको ये नीचे जो प्लस का साइन आ रहा है इस पर जाना है। नया अकाउंट नीचे देखिए ऑप्शन आ गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड। पहले केवल बैंक अकाउंट ही लिखा आता था, अभी क्रेडिट कार्ड आ गया। फिर आपको जाना है क्रेडिट कार्ड पर। ये जो मैं कह रहा था, देखिए अभी 3 नेशनलाइज बैंक है, जो इंडियन बैंक है, पंजाब नेशनल और यूनियन बैंक, इन 3 बैंकों ने इसमें अभी अग्रणी भूमिका निभाई है। पहली बार इन्होंने क्रेडिट कार्ड को UPI। तो साथियों, अब अगर आप इन 4 बैंकों के कस्टमर हैं तो ही आप अपना जो कार्ड है उसको लिंक कर पाएंगे। जैसे कि मेरा मान लीजिए यूनियन बैंक का है कार्ड, तो मैं यहाँ से लिंक कर पाऊँगा। ये है, यहाँ पर आपने बैंक को क्लिक करना है। सेम वही प्रोसीजर है जो अपन UPI में करते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड, जैसे आप बैंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटो फेच कर लेता है, जो भी आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है भीम पे, उससे जो लिंक्ड क्रेडिट कार्ड है उसकी डिटेल यहाँ अपने आप आ जाती है। आपको वही लास्ट के 6 डिजिट डालने हैं और एक्सपायरी डेट वगैरह डालनी है। एक OTP आएगी और आपका नया पिन जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह आप अपना क्रेडिट कार्ड अकाउंट लिंक कर सकते हैं। जैसा कि आपको मेरा ये दिखाई दे रहा है, मेरा क्रेडिट कार्ड अकाउंट लिंक हो गया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक बार जब आपका अकाउंट लिंक हो जाए तो जैसा आप नॉर्मल जैसा अपन सेविंग अकाउंट या यूज़ करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर स्कैन वाला ऑप्शन आ रहा है, और अभी तो भीम में आपको बिना लॉगिन किए भी बाहर एक स्कैन करके ऑप्शन आता है जहाँ से आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा इस तरह, तो आपको यूनियन बैंक फर्स्ट टैक्स सेविंग बैंक है जो इसने UPI प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड को लिंक किया है। तो आप लोगों को भी यूनियन बैंक से जुड़ना चाहिए और यूनियन बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए। अगर आप अभी तक आप यूनियन बैंक के ग्राहक नहीं हैं तो यूनियन बैंक से निश्चय जुड़ना चाहिए और वहाँ से आप क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी अवेल करके यहाँ से अपना कार्ड लिंक करके इस बेहतरीन सुविधा का आनंद ले सकते हैं। थैंक यू।